हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। जी हां दोस्तों, गूगल शीट के बारे में हम सीखने वाले हैं। गूगल शीट के बारे में क्या सीखेंगे? गूगल शीट के बारे में ये सीखेंगे कि गूगल शीट में हम कैसे उर्दू में कन्वर्ट करते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सीखा होगा कि इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें, लेकिन आज हम सीखेंगे कि उर्दू में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए, इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है और उसे हिंदी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो कि गूगल शीट में यूज होता है। तो आप सबसे पहले तो इंटरनेट से आप कनेक्ट हो जाएं, और इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर टाइप करना है गूगल, ठीक है। तो यहां देखिए नीचे गूगल ट्रांसलेट आ रहा है, तो आप गूगल ट्रांसलेट यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए। और अब क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश में लिखे हैं हम, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा देते हैं। लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो इंग्लिश का कोड ईएन होता है, ठीक है। ईएन लिख दिया हमने, डबल इंटेड कोड्स को क्लोज किया। अब हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो वो चीज यहां पे लिखना होगा। तो हमें कन्वर्ट करना है इसको, पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए कोड क्या होता है, हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए जो कोड होता है वो होता है HI, ठीक है। तो आपको यहाँ पे HI लिखना होगा डबल इंटेड कोड्स में, तो यहां पर लिख दीजिए HI इस तरीके से। और अब इसको बंद करके और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको ड्रैग कर दीजिए, देखिए सब हिंदी में आ गया कि नहीं, ये देखिए सब हिंदी में आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना है हमको, हमको किस में चाहिए, उर्दू में चाहिए। तो एक कोड बताता हूं, उर्दू का कोड होता है UR। तो हमें क्या करना है, यहां पे लगाना है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये गूगल ट्रांसलेट वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और यहां पर अब इसी को उर्दू में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर कॉमा दिया, चूंकि है इंग्लिश में तो यहां लिख देते हैं ईएन, और कन्वर्ट किस में करना है, उर्दू में, तो यहां पर लिख देते हैं UR, ठीक है। तो अब ये उर्दू में लिख दिया है हमने, अब एंटर प्रेस करते हैं। अब ये देखिए पूरा उर्दू में कन्वर्ट हो गया, देखिए ये उर्दू में लिखा हुआ आया है, ठीक है। ये देखिए ये जो है उर्दू में लिखा हुआ आया है, आप देख सकते हैं ये सब उर्दू में लिख दिया गया है। यहां पर ये एक रह गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये कितना आसान है उर्दू में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब आपको अगर वापस उर्दू से हिंदी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उर्दू से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही गूगल ट्रांसलेट लगाएंगे। तो ये गूगल ट्रांसलेट ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, और लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा देते हैं, है किस में, ये उर्दू में दिया हुआ है, तो UR डबल इंटेड कोट्स में लिख दीजिए। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है तो डबल इंटेड कोट्स में HI लिखिए, बंद कीजिए और अब एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजिली, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।